तो सबसे पहले इस साइट में आएंगे, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद से आपको ईपिक डाउनलोड यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना ईपिक नंबर डालेंगे, स्टेट चूज करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। आपके वोटर कार्ड की पूरी डिटेल्स शो हो जाएगी। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो आपके वोटर कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि आपके वोटर कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। और दूसरी बात, आपका ये वाला मोबाइल नंबर अभी चालू है या फिर बंद हो गया है, ये तो आपको ही पता है। और अगर बंद हो गया है तो आप न्यू मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और वोटर कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किस प्रकार से करते हैं, इसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।